हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करें। प्रधान शिक्षक डीएलएड का क्लास आपकी चल रही है और ये आज यूनिट नंबर 7 आपकी होगी, ठीक है, जिसका पार्ट नंबर 7 ये होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है यूनिट नंबर 7 और उसका ये पार्ट नंबर 7 है और ये लास्ट पार्ट है दोस्तों, है ना। आज यूनिट नंबर 7 समाप्त हो जाएगा, कल आपका यूनिट नंबर 8 शुरू कर दिया जाएगा। आज से देखिए न्यू बैच स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी पीछे वाली क्लास का डीएलएड का जो था वो समाप्त अभी नहीं हुआ है, इसीलिए कल या परसों, है ना, एक दो दिन के बाद ही न्यू बैच आपकी स्टार्ट हो पाएगी। फिलहाल जो भी नए बैच में जुड़ गए हैं उनको भी ये पीडीएफ और वीडियो मिल जाएगा, आप इसका रिविजन कर लीजिए अभी से ही। फिर से आप लोग को यूनिट नंबर 7, 8, 1 से लेकर के सारा चीज करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं, एक दो दिन के बाद आपकी नई बैच शुरू हो जाएगी। और जो लोग नए बैच में अगर जुड़ना चाहते हैं, पुराने लोग फिर से रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो जुड़ जाइएगा, उनका प्रोसेस हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज इसका, हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी आपका पीडीएफ मिल जाएगा, उसका आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट 40 से ज़्यादा सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और नया बैच आपकी शुरू हो जाएगी, 1 अप्रैल से शुरू होने वाला था आपका न्यू बैच, 2 से 3 दिन अभी लगेगा क्योंकि एक यूनिट आपका बाकी है ना, तो इसीलिए एक दो दिन यहाँ पर डिले होगा। कोई बात नहीं है, आपको पीछे जो भी क्लास चल रही है वो अभी क्लास करते रहिए और 1 से 2 दिन में आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जिसमें जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाइएगा, मात्र 399 अभी चार्ज है जो नए लोग इसमें जुड़ेंगे। और जो पुराने लोग हैं अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं नए बैच में, तो मात्र 201 रुपया आपको पे करना होगा। ये नंबर आपको दिया गया है यहाँ पर 7857 8443 10, इसी पे आपको पे करके क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है, है ना। जो पेमेंट कीजिएगा तो जो रिसिप्ट होगा ना उसको हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है और फोनपे गूगल पे भी यही है, है ना, वहाँ आपको ऐड कर दिया जाएगा और सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो शिक्षा व्यवस्था और जेंडर विभेद से संबंधित है, ठीक है। तो आज जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करेंगे वो शिक्षा व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन होगा और जेंडर विभेद से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पर अभी करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए सभी लोग, और सभी लोग अपना अपना कॉमेंट भी करते चलना है, वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज चलते हैं, इसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम लगा लेते हैं, इसका थ्योरी आप लोग को मिल जाएगा, वो आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट ये भी आपका पार्ट है, इसके बाद यूनिट नंबर 7 आपकी समाप्त हो जाएगी और फिर कल से होगा यूनिट नंबर 8, है ना। कल हम यूनिट नंबर 8 करवाएंगे और 8 जो यूनिट है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, है ना। यूनिट नंबर जो 8 है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर 7 का लास्ट ये पार्ट है और उसका पहला सवाल है कि छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय क्या है, बताइए। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय क्या है, बताइए। लैंगिक प्रभाव को आखिर कैसे कम किया जाए दोस्तों छात्र छात्राओं के बीच, है ना। हमारे स्कूल में जो इस प्रकार की अभी भी है कि वो लड़का है वो लड़की है, है ना, तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है कि छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, तो बिल्कुल सही बात है, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, है ना, समान अधिकार मिलना चाहिए सभी लोगों को। और अगला जो पॉइंट है, कह रहा है कि छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये भी बिल्कुल सही है, और छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही है दोस्तों, है ना। छात्रा जो है आज के जमाने में देख रहे हैं ना, लड़की लोग ही लड़कों से आगे निकल रही है, ठीक है। आप अपने स्कूल में भी देखते होंगे, टेस्ट होता होगा, मंथली टेस्ट होता है ना, वार्षिक एग्जाम अभी हुआ है, तो लड़कियां उसमें काफी आगे निकल रही है लड़कों से, ठीक है, क्योंकि और जो पढ़ने के लिए भी आती है बच्चियां ही ज्यादा क्लास में आती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा नहीं कि लड़के कम हैं, लेकिन अभी जो रेशियो अगर देखा जाए तो लड़कियां आगे निकलते जा रही है, इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, है ना, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि विज्ञान के प्रयोग में, है ना, क्वेश्चन दिख रहा है,
प्रश्न है कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं। क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि देखिए जो विज्ञान का जो प्रयोग होता है ना, उसमें कह रहा है कि जो उपकरण होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसका जो प्रयोग होता है वो लड़के ज्यादा करते हैं, और लड़कियों के से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है, बताइए, ये प्रवृत्ति क्या दर्शाती है कि जो विज्ञान का प्रयोग हो रहा है तो सिर्फ लड़के ही उसमें प्रयोग करेंगे, है ना, लड़कियों को उसमें भाग नहीं लेने दिया जाता है, लड़कियों को सिर्फ आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर बर्तनों को धोने के लिए कहा जाता है, ये क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है दोस्तों, है ना, है ना। चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। कह रहा है कि लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़े का रिकॉर्ड रखती है, बिना किसी गलती, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है बिना किसी गलती के आंकड़ों के रिकॉर्ड रखती है, नहीं, ये भी आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। तीसरा नंबर है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भावनाएं विद्यालय में भी होती है। जी हाँ, तो ये दर्शा क्या रहा है, ये सवाल आपसे पूछ रहा था, तो ये यही दर्शा रहा है कि पुरुष और स्त्री के बीच में क्या हो रहा है, रूढ़िवादी भूमिकाएं हो रही है विद्यालय में दोस्तों, है ना, है ना, किसी को ज्यादा यहाँ पर वैल्यू दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किस चीज से बचाती है। ऑप्शन है लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर लैंगिक संवेदनशीलता। तो एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो हमें किससे बचाती है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है दोस्तों, है ना, है ना, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को देखिए सभी लोग, लाइक कर दीजिएगा। 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है, क्लास होती है, है ना, 9 PM से आपकी डेली क्लास होती है, तो 9 बजे आपको बिल्कुल आ जाना है। अगला प्रश्न है आपका चार नंबर की, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या हो सकता है, बताइए। पुरुष कह रहा है कि स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होती है, आपको ऐसा क्या लगता है, है ना, तो ये कथन किस चीज का प्रदर्शन कर रहा है, है ना। कोई अगर कहता है कि जो पुरुष है वो स्त्री से ज्यादा बुद्धिमान है, तो ये इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित किया जा रहा है कि जो पुरुष है वो महिलाओं से आगे है। ऐसा नहीं है, दोनों समान है, ठीक है। हमको क्या करना है, दोनों को समान लेकर के चलना है दोस्तों, है ना। आपको ये नहीं देखना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल करके चलना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको प्रश्न नंबर है 5 कि स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं, यह कथन क्या दर्शा रहा है। ये कथन भी भाई साहब वही चीज दर्शा रहा है, ठीक है। स्त्री का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है, है ना। लड़कों का भी हस्तलेख काफी अच्छा होता है, हस्तलेख मतलब जो लिखते हैं, है ना, और जबकि पुरुष गणित और तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं, तो ये भी दर्शा रहा है लैंगिक पूर्वाग्रह को, है ना, ये भी किस प्रकार को दर्शा रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो 5 का भी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हो आपको सीधा ऑप्शन क्लिक करना है लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है आपका 6 प्रश्न है कि लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना किस चीज को दर्शाता है, बताइए। लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना ये किस चीज को दर्शाता है दोस्तों। रूढ़िवादिता, प्रगतिशील चिंतन, प्रगतिशील कभी चिंतन होगा, कभी नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक चिंतन होगा, बिल्कुल नहीं। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होगा, बिल्कुल नहीं। ये रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है, है ना, रूढ़िबद्धता को ये दर्शा रहा है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा कि क्या इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है। छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव, है ना, तो छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है, ये बताना है, उनके सामाजिक उत्थान पर। तो बिल्कुल सही बात है,
अगर लैंगिक भेदभाव करेंगे तो सामाजिक उत्थान पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, उनके शैक्षणिक विकास पर तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर लैंगिक विभेद आप कीजिएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 8। आठ नंबर सवाल कह रहा है कि आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे, बताइए दोस्तों। आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्रा जो है उसका शिक्षण कैसे करेंगे, है ना, तो कैसे कीजिएगा। कह रहा है कि कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देंगे, नहीं नहीं ऐसा काम नहीं करना है। अगला है, छात्रों को सिलाई बुनाई के काम में अधिक रुचि लेने की सलाह देंगे, ये भी गलत है। सभी छात्र छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, देखिए कितना बढ़िया ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। हमें क्या करना है, दोनों को समान लेकर के चलना है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में को नकारना चाहिए, है ना, तो एक टीचर को अपनी कक्षा में किस चीज को नकारना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन है कि छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकार को, तो पठन संबंधी विकार को आप नकारिएगा तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अगला है, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, जी हाँ, तो लैंगिक भेदभाव को क्या करना है, नकारना है, कि लैंगिक भेदभाव नहीं करना है हमें, है ना, यानी कि नकारना है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या निकल के आ गया, बिल्कुल सही आ गया, आया कि नहीं आया। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद जवाब देना है। 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 10, क्योंकि आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा, ठीक है ना। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय क्या है, बताइए। लैंगिक भेदभाव को दूर कैसे किया जाए, शिक्षा व्यवस्था में इसका क्या उपाय है, तो ऑप्शन है कि छात्र छात्राओं के बीच असमान प्रभाव, छात्र छात्राओं के बीच असमान प्रभाव अगर होगा दोस्तों तो शिक्षा व्यवस्था में ये होगा, गलत बात है। छात्र छात्राओं के समान प्रावधान होना चाहिए, ठीक है, छात्र छात्राओं के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में समान प्रावधान होना चाहिए, है ना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मैं समान पर हमेशा आपको फोकस कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 11। प्रश्न कह रहा है कि छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है, बताइए। छात्राओं के, है ना, क्वेश्चन पर ध्यान देना है, छात्राओं के निजी संसार पर किसका प्रभाव पड़ता है, लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक मान्यताओं का प्रभाव पड़ता है, परिवार में उनके स्थान का प्रभाव पड़ता है, ए होगा, बी होगा, बी सी होगा, या सभी होगा। तो देखिए इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, लैंगिक भेदभाव को तो प्रभाव पड़ता ही ना, आप देखते हो ना अपने आस पड़ोस घर परिवार में, है ना, सामाजिक मान्यताओं पर प्रभाव पड़ता है। आंसर भाई ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर है 12। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव बताइए। तो विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, अगर इस प्रकार का हो रहा है, है ना, लैंगिक भेदभाव हो रहा है आपके कक्षा में, तो छात्राओं के मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वे विद्यालय में प्रसन्न रहती है, प्रसन्न रहेगी कभी, बिल्कुल नहीं रहेगी। वे विद्यालय जाने से न कतराती है, बिल्कुल सही बात, अगर इस प्रकार की घटना होगी तो क्या बच्चियां स्कूल जाएगी, नहीं जाएगी, है ना, तो बी नंबर हमारा निकल के आया, ठीक है। लेकिन सी भी पढ़ लेते हैं और डी भी पढ़ लेते हैं। कह रहे पढ़ाई से उन्हें विरक्ति होने लगती है, नहीं ऐसा बात नहीं है, उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है, बिल्कुल गलत है, है ना, अगर लैंगिक भेदभाव होगा तो विद्यालय जाने से वो कतराएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, और देखिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा। कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 रह गया है, इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहां पर लिंगानुपात तो थोड़ा गलत दे दिया है ना, अभी लिंगानुपात कितना है, 943 ना है लिंगानुपात, है ना, और 911 यहां 914 दे दिया लिंगानुपात, अभी 943 है लिंगानुपात 2011 के अनुसार,
ठीक है। अच्छा, उसको हमको फोकस नहीं करना है लिंगानुपात अभी है कितना, हमें ये थोड़ा सा ये चीज ध्यान देना है कि जो लिंगानुपात है वो क्या हो गया है, घट गया है। लिंगानुपात हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो 1000 है ना, 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ठीक है, 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, इसी को कहते हैं लिंगानुपात। ठीक है, तो 1000 पर निकाला जाता है महिलाओं पर कितने, 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष है आपका, ठीक है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं दोस्तों, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आपका आंसर हो जाएगा लैंगिक भेदभाव, है ना। लैंगिक भेदभाव के कारण ही तो इस प्रकार की घटना हो रही है ना, कि लोग बच्चियों को, मतलब कि क्या बतावे, है ना, इस प्रकार की घटना होती है जिसकी वजह से बच्चियों की संख्या घटते जा रही है और बच्चों की संख्या बढ़ते जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैंगिक भेदभाव, आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है, बताइए। सामाजिक कारक होगा, सांस्कृतिक कारक होगा, आर्थिक कारक होगा, मनोवैज्ञानिक कारक होगा। तो बिल्कुल सभी है, है ना, ये सारे ऑप्शन सही है, है ना। लैंगिक भेदभाव से ये सारे चीज उत्पन्न होते हैं दोस्तों, है ना, ये सारे उत्पन्न करते हैं, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, मनोसामाजिक कारक, है ना, बहुत सारे है और भी कारण है, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 15 नंबर। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है, बताइए, है ना। लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होगी, होती है तो बहुत बड़ी भूमिका होती है, है ना। आप एक शिक्षक हैं तो आपका भी योगदान होना चाहिए। कह रहा है कि वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे, बिल्कुल सही बात है, है ना। अगर इस प्रकार की घटना होती है तो उससे क्या करना है, हमको हतोत्साहित करना है, मतलब कि समझाना है बच्चों को इस प्रकार का कार्य नहीं करना है। ठीक है, वह लड़कों को कठिन कार्य, लड़कियों को सरल कार्य दे, बिल्कुल गलत है। वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्यों से, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 15 का। ठीक है, चलिए 15 का आंसर क्या हो गया, ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। देखिए काफी बड़ा प्रश्न है, है ना, तो ध्यान से देखना है, भागना नहीं है, भागिएगा तो कब तक भागिएगा, भागते ही रह जाइएगा। प्रश्न है कि एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर किसी होना चाहिए, है ना, एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है, जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाले उस अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है, किंतु आयोजक विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाने एवं उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करता है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर और सुशील है। इस चयन में वह लड़के की रुचि और उत्साह की अवहेलना करता है। इस प्रकार का चयन क्या हो सकता है, है ना। अगर इस प्रकार का आपके विद्यालय में भी होता होगा ना, कोई अतिथि आते हैं तो उसका मतलब आदर सत्कार किया जाता है ना, माला वगैरह पहनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं, तो यहाँ पर जो कह रहा है ना कि जो लड़की थी वो तैयार नहीं थी और लड़का तैयार था, लेकिन यहाँ पर लड़की को ही चुना गया कि तुम ही जाकर के माला पहनाओ, क्योंकि वो तुम काफी सुंदर हुआ कर सको। तो ये क्या दर्शा रहा है, है ना, ये सवाल है। तो ये दर्शा रहा है क्या, ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि सही है, बिल्कुल गलत बात है, है ना, ये इस प्रकार का घटना बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पर सही है दे दिया, तो जैसे ही सही दिया तो ये गलत है कि नहीं, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए आपके स्कूल में। कह रहा है सही है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, बिल्कुल सही नहीं है, इस प्रकार की घटना सही नहीं है और यह लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर सवाल। सवाल कह रहा है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। कह रहा है दोस्तों कि एकल गायन प्रतियोगिता होता है स्कूल वगैरह में, है ना, राज्य स्तर की चल रही है गायन प्रतियोगिता, जिसमें क्या हो रहा है, तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। अब देखिए, किसी को वरीयता नहीं देना है, ठीक है, जैसे ही वरीयता दिए भैया तो लोटा डूब जाएगा, है ना। 18-17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो लैंगिक पूर्वाग्रह को यह दर्शा रहा है, है ना, ये क्या दर्शा रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह को, है ना। तो एक आपको साफ झलक रहा है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, दोनों को समान मिलना चाहिए। 18 का प्रश्न है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, बताइए। लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना,
क्या पुरुष और महिला के समान संख्या में अगर हम भर्ती कर देंगे तो लिंग भेदभाव से बच जाएगा, सर्वोत्तम तरीका है? बिल्कुल नहीं, सर्वोत्तम तरीका ये नहीं है, सर्वोत्तम पूछ रहा है, ध्यान देना है। अगला है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। कड़ाई जैसे ही शब्द आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना, कोई भी निगेटिव शब्द आ जाए तो उस ऑप्शन को आपको काट देना है। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, तो जैसे ही यहाँ पर अधिक लड़का आ गया तो ये भी गलत हो गया, दोनों को समान रूप में लेना है हमको। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, जी हाँ, जो ये सर्वोत्तम तरीका दोस्तों ये है आपका डी नंबर, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेना है, ठीक है। अगर लिंग भेदभाव हो रहा है, ठीक है, तो उसका संज्ञान लेना है, उस पर हमें एक्शन करना है, मतलब उसको सही करना है। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना, इस प्रकार के सवाल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का सी टेट में हो गया, बी टेट में हो गया, स्टेट में हो गया, केवीएस में हो गया, सभी जगह इस प्रकार के सवाल आपको आते हैं और आपको भी पूछे जाएंगे। पर मोनिका क्या है दोस्तों, ये गणित की शिक्षिका है और राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका कभी यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है, मोनिका की यह जो प्रवृत्ति है दोस्तों क्या प्रदर्शित कर रही है बताइए, क्या प्रदर्शित कर रही है? अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है? नहीं। अगला ऑप्शन है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल सही है, है ना, वो मोहन नहीं बताया, बस तुरंत क्वेश्चन चेंज करके दूसरा पूछ दिया, ठीक है, और लड़की से इस प्रकार का नहीं हुआ, तो ये दर्शा रहा है दोस्तों कि मोहन का पक्ष लेकर के क्या हुआ, लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को ये बढ़ावा दे रही है, तो ये भी करना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, ठीक है, देखिए वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। करें, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए दोस्तों एक शिक्षक को करना चाहिए कि लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक कर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का, बिल्कुल गलत। कुश्ती में भाग लेने लड़कियों को, बिल्कुल गलत। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर, बार बार कहता हूं कि चारों ऑप्शन पढ़िएगा तब जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा और आपको समय काफी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, तो जेंडर लिंग विभेद प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, बिल्कुल करता है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षार्थियों के हस्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, बिल्कुल ठीक है, है ना, ये कारण तो बनता ही है लिंग विभेद। अगला है पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ये गलत है, और महिला शिक्षकों के पेशा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, नहीं, बी नंबर यहाँ से बिल्कुल आपका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ ऑप्शन देखिए थोड़ा सा कठिन होता है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका सवाल नंबर 22 नंबर कह रहा है कि जो छात्राएं हैं, है ना, तो छात्राएं के बारे में आपको बताना है यहाँ पर। छात्राएं कह रहा है दोस्तों कि गणित के सवाल अच्छे से सीखती है लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है, ये अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, बिल्कुल, देखिए पॉजिटिव ऑप्शन हमको देखना है, ठीक है। अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता जहां आया तो गलत हो गया। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक अपेक्षा, ये भी गलत हो गया। बी नंबर यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ठीक है कि अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, है ना, तो एकदम समान लेकर के चलना है हमको, है ना, आगे पीछे हमको लेकर के नहीं चलना है। 23 नंबर सवाल है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है बताइए।
लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके विषय में कौन सा सही है? कह रहा है कि लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लड़कों को बाहर के कार्यों में सहायता, ये ठीक नहीं है। सभी लड़कों को सभी जैसे ही आ जाएगा दोस्तों तो ऑप्शन गलत हो जाता है। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, नहीं। तो जो देखिए इसका आंसर जो होगा ना, लड़कों लड़कियों के विषय में कुछ कथन जो दिए गए हैं, तो लड़कों को दोस्तों घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये ऑप्शन आपका ठीक है ना। घर के बहुत सारे कार्य होते हैं तो उसमें जो लड़का है उसको सहायता करनी चाहिए, अपनी बहन की, अपनी माता जी का। प्रश्न नंबर है 24 नंबर का, रहा है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह क्या दर्शाता है? तभी बता दिए क्या दर्शाता है, है ना। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो लिंग पक्षपात यानी कि जेंडर पक्षपात को दर्शा रहा है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही दृष्टिकोण नहीं होगा, नीति परक नहीं होगा, शिक्षा परक नहीं होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है दोस्तों कि एक सह शिक्षा कक्षा में, है ना, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी क्या दर्शाता है, है ना। आप देखते होंगे क्लास में इस प्रकार के टीचर लोग बोलते हैं कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, ये क्या दर्शा रहा है जी, ये बोल रहे हैं ये क्या दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है कि जातीय भेदभाव नहीं, जातीय भेदभाव का यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार एक अच्छा उदाहरण है, नहीं, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट कर रही है, बिल्कुल, है ना। रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट हो रहा है कि तुम लड़की जैसा मत करो, लड़का जैसा करो, है ना। तो ये गलत है, दोनों समान है भाई, है ना, कोई उसके जैसा नहीं करो, दोनों समान रूप से चलो। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर की, लिंग है, बताइए लिंग है, तो लिंग क्या है? शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है या जैविक सत्ता है? क्या होगा लिंग दोस्तों? तो लिंग हमारा एक क्या है, सामाजिक नहीं होगा, सहज नहीं होगा, जैविक नहीं होगा, शारीरिक संरचना होगा, ठीक है, ये क्या है, शारीरिक संरचना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर, 27 है, निम्नलिखित में से कौन जेंडर विभेद को उजागर करता है? जेंडर विभेद को उजागर कौन करता है, ये है काफी अच्छा प्रश्न है, है ना। तो विद्यालय में लड़के लड़कियों में अंतर करना, कक्षा में लड़का लड़की को अलग अलग बैठाना, जेंडर विभेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ विषयों को केवल लड़कियों के लिए अनिवार्य बनाना, अब जैसे ही कुछ के लिए आ गया लड़कियों के लिए अनिवार्य, तो ये भी जेंडर विभेद हो रहा है। लड़के लड़कियों के लिए अंतर करना, ये भी जेंडर विभेद हो रहा है। अलग अलग बैठाएंगे तो ये भी विभेद हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और देखिए यहाँ पर पीडीएफ नोट्स अगर किन्हीं को चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर दिया गया है ना, 7857-8443-10, जहाँ से आपको प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड और समान अध्ययन के सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा, और डेली क्लास जो होता है वो भी मिलेगा आपको दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28 नंबर, कह रहा है कि किस तरह से जेंडर विभेदीकरण को विद्यालय व समाज से समाप्त किया जा सकता है? बहुत अच्छी बात है ना, जो जेंडर विभेद हो रहा है इसकी, इसको समाप्त कैसे करेंगे? तो कह रहा है पाठ्य पुस्तक बनाने वाली समिति में जेंडर समिति को शामिल करने, बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। बालिकाओं को कार्यों में बालकों की तरह महत्व देकर के, ये भी ठीक है। शैक्षिक सामग्रियों का समान रूप से वितरण करना और उत्पादन में इसको भागीदारी बनाना, ये भी सही बा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, है कि नहीं, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है प्रश्न नंबर 29 सवाल कह रहा है कि शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक किस प्रकार जेंडर विभेद को कम करने में सहायक हो सकता है? बताइए शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक जो है दोस्तों किस प्रकार जेंडर विभेद को कम करने में सहायक होगा, है ना। तो बताइए, कह रहा है कि समान व्यवहार को बढ़ावा देकर के, बिल्कुल सही बात है, समान व्यवहार को बढ़ावा देकर के हम इसको कम कर सकते हैं। पूर्वाग्रह को खत्म करने के प्रति जागरूक करके, ये भी सही है। जेंडर संवेदीकरण को पाठ्यक्रम में शामिल करके, ये भी सही है, आंसर नंबर हो जाएगा भाई साहब डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 नंबर। अब देखिए इसी प्रकार का सवाल दोस्तों आपको एग्जाम में रहेगा,
एक ऑप्शन इसमें क्या दे देता है, एक से अधिक, है ना, एक से अधिक दे देगा एक ऑप्शन। देखिए सारा पीडीएफ जो हमारा बन गया है ना, ये सारा पीडीएफ हम टाइपिंग जो हो गया है इसमें चार ऑप्शन वाला ही हो गया है, ठीक है, तब इसमें चेंज नहीं हो सकता है। आपको बस ध्यान में रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगर इसी ऑप्शन नंबर ई में जोड़ देता है एक से अधिक तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाता, ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 30 नंबर का है कि जेंडर संवेदनशीलता तथा समानता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बा, बताइए 30 का आंसर क्या होगा। तो भाग तीन में इसका वर्णन है, भाग तीन में क्या है, मौलिक अधिकार है कि नहीं, मौलिक अधिकार हमारा किसमें है, तो समानता का अधिकार दोस्तों आपको पढ़े होंगे ना अनुच्छेद नंबर 14, है ना, अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के ए तथा बी में क्या उल्लेखित है, बताइए 16 में क्या अनुच्छेद, 16 में क्या वर्णन किया गया दोस्तों, है ना, तो 16 में वर्णन क्या किया गया है जल्दी से बताइएगा। कह रहा है कि सामान्य भेदभाव का प्रतिषेध, बिल्कुल ठीक है, भेदभाव हमें करना नहीं, इसका प्रतिषेध करना है, लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव ए और बी दोनों सही बा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सारे वर्णन किए गए हैं दोस्तों आपके अनुच्छेद नंबर 16 और बी, 16 के बी में आपका, ठीक है, और ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर की पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए अनुच्छेद 243 तथा 243 के डी तथा 243 के आई के तहत कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है, बताइए नगर पालिका के लिए पूछ रहा है, पंचायत और नगर पालिका के लिए कितना सीट आरक्षित है, तो नगर पालिका और पंचायत के लिए जो आरक्षित है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 33%, कितने प्रतिशत, 33% दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 33 कह रहा है कि किस शिक्षा नीति में कहा गया है कि लड़कियों की शिक्षा पर बल केवल सामाजिक न्याय के कारण नहीं देना है बल्कि यह सामाजिक रूपांतर को गति प्रदान करता है, तो ये बातें किस शिक्षा नीति में कहा गया है ये आपको बताना है, ठीक है, शिक्षा नीति 1968, 86, 92, 2020, तो ये शिक्षा नीति जो काफी पुरानी है, शिक्षा नीति 1968 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 सवाल कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के संबंध में कौन सा कथन सही है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53 के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन है कि इसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है, है ना, और अगला प्रश्न है कि इसमें लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जाता है, ये भी सही है, लोकतांत्रिक समाज में लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर का रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन श्रीमती दुर्गा बाई देशमुख की अध्यक्षता में कब किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों बताइएगा, है ना, भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में हुई थी और ये कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों आपका 1958 ईस्वी में, ठीक है, 1958 में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया था जिसमें लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया गया था, बताइए, है ना, तो हंसा मेहता समिति का जो गठन हुआ था मेरे भाई वो हुआ था आपका 1962 में, 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध के समय, है ना, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों देखिएगा ध्यान से कि वर्ष 2004 में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का, तो इसका उद्देश्य भाई साहब यही है कि वंचित वर्ग की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना,
न अनामांकित 10 वर्ष से ऊपर की बालिकाओं को आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना, घूमने वाली जातियों की बालिकाओं पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे उद्देश्य थे आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो 2004 में संचालित हुआ था। अगला प्रश्न है 38 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो लग रहा है तो फिर देर किस बात की, लाइक तो कर दीजिए। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन करना, बालिकाओं का अस्तित्व एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं के शिक्षा को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये उद्देश्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर कि भारत में जेंडर बजटिंग को संस्थागत रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय ने किस वर्ष सभी मंत्रालयों विभागों में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का अनिवार्य रूप से गठन करने का आदेश दिया है? तो ये कब दिया है भाई कि जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का अनिवार्य रूप से गठन किया जाए, और ये वित्त मंत्रालय ने दिया है, किस वर्ष दिया है? 39 का आंसर होगा 2005 में। 2005 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न कह रहा है समाज में असमानता के बाह्य कारणों कारकों में किसे शामिल किया जा सकता है? असमानता के बाह्य कारक बताइए, प्रादेशिक, सांस्कृतिक, भाषाई। तो असमानता के दोस्तों ये सारे जो कारक आपको नजर आ रहे हैं, प्रादेशिक, सांस्कृतिक, भाषाई, ये सभी बाह्य कारक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। समता और समानता शिक्षा व्यवस्था के मुख्य सरोकार हैं। समानता का अर्थ है सभी तरह से समान। समता का अर्थ है औचित्य का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा कथन सही है? समता और समानता शिक्षा व्यवस्था के मुख्य सरोकार है, बिल्कुल ठीक है। समानता का अर्थ है सभी तरह से समान, ये भी ठीक है। समता का अर्थ औचित्य का सिद्धांत, ये भी सही है भाई। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं सवाल नंबर 42 नंबर। 42 हो जाएगा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में असमानता के कारण अथवा अवरोध निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए भारतीय शिक्षा व्यवस्था में असमानता के कारण अथवा अवरोध निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषाई असमानता, ये सारे अवरोध के कारण है, हाँ ना, ये सारे अवरोध के कारण है भाई, है कि नहीं है? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषाई असमानता, ये सभी तो कारण ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। 43 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? ध्यान रखना है, गलत पूछ रहा है। ऑप्शन है कि भारत में शिक्षा का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विस्तार अभियान के रूप में किया गया है। भारत में शिक्षा का गुणात्मक तथा मात्रात्मक अभियान के रूप में किया गया है, क्या ये असत्य है? नहीं, ये बातें बिल्कुल सत्य है। अगला है कि भारत में भौगोलिक विविधता प्रत्येक बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में चुनौती नहीं है। भैया बहुत बड़का चुनौती है कि नहीं? बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में चुनौती नहीं है, बहुत बड़ा चुनौती है। तो यही तो ऑप्शन हमारा गलत है, और गलत ही हमसे पूछ रहा था। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 सवाल कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको। इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि अनिवार्य जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में इसका वर्णन है। कह रहा है कि यह एक मूल अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, ये एक हमारा मूल अधिकार है। अगला है कि इसके लिए 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, ये भी ठीक है, है ना। अगला है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है, ये भी सही है।
तो 44 का यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत दे दिया है ऑप्शन, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन जो है ना दोस्तों ये गलत दे दिया है। यहाँ पर देना चाहिए उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही है, है ना। आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 44 का। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक अस्तित्व के पहलू है। शिक्षक अस्मिता के पहलू, दोस्तों अस्तित्व नहीं, सॉरी, शिक्षक अस्मिता के पहलू कौन से हैं, ना पढ़ने में थोड़ा सा गलती हो गया, तो शिक्षक अस्मिता के पहलू कौन से हैं, व्यक्तित्व, पेशेवर, सामाजिक या फिर इनमें से सभी। 45 का हो जाएगा आपका इनमें से सभी दोस्तों, ये शिक्षक अस्मिता के पहलू हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि आदर्श शिक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। क्या आप एक आदर्श शिक्षक हैं, बताइए क्या आप एक आदर्श शिक्षक हैं। कह रहा है कि एक आदर्श शिक्षक वह होता है जो शिक्षक पद के लिए अपने आप को समर्पित करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अपने आप को समर्पित कर दीजिए एकदम, ठीक ना। वह विद्यार्थी के प्रति समर्पित होते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि विद्यार्थी के प्रति मतलब कि अपना काम जो था वो कर दिए, नहीं, एकदम समर्पित हो जाना है, ठीक ना। कह रहा है कि उनमें सीखने तथा सिखाने की क्षमता हो उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही है, ये आदर्श शिक्षक का लक्षण है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47 नंबर, और आज का लास्ट प्रश्न है। जाते जाते आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, प्लीज प्लीज प्लीज। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श शिक्षक की दक्षता के संदर्भ में असत्य बताना है, है ना, सत्य नहीं असत्य चुनना है। दक्षता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, उसे अपने विषय पर पूर्ण ज्ञान यानी पकड़ होना चाहिए। बिल्कुल सही है, जब तक पकड़ नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे कहां से। उसमें संप्रेषण संबंधी दक्षता होनी चाहिए, यह भी सही है। उसमें प्रबंधन संबंधी अध्ययन पर बल नहीं देना चाहिए। देखिए नहीं आ गया ना, निगेटिव सेंस ऑप्शन हो गया गलत, हमारा आंसर हो गया सी, है ना, यही तो पकड़ना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर दोस्तों, ठीक है, निकल गया 47 का। तो ये रहा आज का टेस्ट, कैसा लगा आप लोग को बताना है। और नया जो बैच है आपको 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी यूनिट नंबर 8 इसमें बचा हुआ है, पिछले जो बैच चल रहा था उसमें, है ना, उसके बाद आप सभी का क्लास शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका 9 बजे से क्लास चलेगी, आप इसमें जुड़ जाइएगा। जो लोग नए लोग हैं वो भी, जो पुराने लोग हैं वो भी, अगर इसमें तैयारी करना चाहते हैं फिर से, तो फिर से आपको थोड़ा सा चार्ज लगेगा, ज़्यादा नहीं, है ना, इतना कम लगेगा कि आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, है ना। मात्र दोस्तों आपको नए जो टीचर हैं उनको 399 चार्ज हैं, और जो नए जो पुराने टीचर हमारे यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं, अगर फिर से रिवीजन करना चाह रहे हैं तो मात्र 201 रुपया पे करके आप हमारे यहाँ जुड़ जाइएगा। ये नंबर हमारा है 7857-8443-4010, ये फ़ोन पे, गूगल पे या फिर किसी माध्यम से ऑनलाइन इसी नंबर पे करके आपको, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, इस पे आप हम अपना भेज दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। आप किसी भी दूसरे नंबर से भी पेमेंट कर सकते हैं, है ना, और इसी नंबर से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं तो अपने मित्र के से भी करवा सकते हैं, और आपका जो भी व्हाट्सएप होगा तो उससे हमको मैसेज कर दीजिएगा, प्रधान शिक्षक का न्यू ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आज इतना ही रहने देते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और गुड नाइट, अच्छे से रहिए, तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।